देखिए, जिस तरीके से अहीर कॉलेज सोसाइटी की जमीन को लेकर के जो विवाद गरमाया है कि कल कैप्टन अजय सिंह यादव जो पूर्व मंत्री है उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसके बाद आज सवेरे सतीश यादव ने पूर्व जिला प्रमुख ने प्रेस वार्ता की और अहीर कॉलेज सोसाइटी की जमीन की जो खरीद हुई है उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उसी को लेकर के अहीर कॉलेज जो सोसाइटी है उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है। अब एक बार जान लेते हैं जो सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के, उन्हीं से जान लेते हैं पूरा मामला आखिर है क्या, वो क्या अपना पक्ष रखना। जनाब, जो आरोप लगे हैं उस पर क्या कहेंगे कि 1.5 करोड़ में आपने जमीन खरीद दी? जनाब, एक तो 1.5 करोड़ को जो है ना एक पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। जो ना अभी है पेड़ था, जो है ना उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया है। 30 लाख रुपए मैंने जो है ना हमने सोसाइटी ने उसके भी भरे हैं, आप टैक्सेशन भी भरा है। इट इज़ ऑलमोस्ट जो है ना 2.5 करोड़ तो से ऊपर हमारा जो है ना, इसको 1.5 मत कहिए आप, इसको 2.5 करोड़ हम सोसाइटी का तो पैसा गया ना। हमें जो है ना सर्कल रेट की जितनी भी जो थी हमारा जो रेवेन्यू था, वी हैव पेड दैट। इट इज़ नॉट दैट के जो हमने लेकिन वो साथ में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो ये जमीन है जी ये जिनसे आपने खरीदी है वो उनके वाली वारिसी नहीं है, कई जगह साबित हो चुका है इस तरीके का। वो पीएल सत्यप्रकाश जिस तरीके से, साहब एक बात बताइए मोहनलाल जी, इतने आप जो ना सुलझे हुए आदमी मुझे बता दो, आप जमीन खरीदोगे कैसे खरीदोगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड देखोगे? एग्रीकल्चरल लैंड गैर मुमकिन है, जिसकी जमीन थी उसका तो कोई वारिसी नहीं है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए ना, हाउ डू यू नो? मेरे को जो ना, मैं कोई एक्सरे थोड़ी लिए बैठा हुआ हूँ। आई विल सी द जमाबंदी। अपने जो ना रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो ना मसला होता है, जब जो प्रॉपर्टी आप खरीदी जाती हैं 1935 से जो ना वारिसान के दाखिल खारिज विरासत बोलते हैं भाई आप मोहनलाल जी, आपको सारा नॉलेज है। विरासत के इंतकाल चढ़ रहे हैं सारे के सारे, और विरासत के इंतकाल चढ़ रहे हैं और वो जो ना उनको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो साहब आप ये बताइए कि मैंने आज कोई आपसे सौदा करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी जमाबंदी तो चेक करूँगा ना, कि आप वेदर यू आर ओनर ऑफ, और ओनर हो मैक्सिमम क्या चेक करूँगा? मैं करूँगा कि किस तरह से बने हो आप ओनर, यही देखूँगा ना मैं कि आपको किस तरीके से जो ना ओनरशिप आई है। तो आपको लगता है जमीन की जो कीमत है ये 2.5 करोड़ ही है जो आप बता रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट सेइंग 2.5 करोड़, मैं 2.5 करोड़ का जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ अपना जो ना नंबर 10, जो हमारा नंबर 10 है पट्टे की, जो ना हमारी शर्तों के आधार की बात कर रहा हूँ। पट्टे की शर्त के आधार पर जो 10 नंबर शर्त है पट्टे में, उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तनाज़ा, बदमजगी, आपसदारी में एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, लैंड ओनर एंड द सोसाइटी, तो सोसाइटी विल हैव द राइट टू बाय दैट कंस्ट्रक्टेड एरिया, रास्ता। नहीं, आप जैसा बता रहे हैं 2025 के अंदर इसकी मियाद पूरी होनी थी जो आपने लीज पर जो ले रखी है। वो 2025 से पहले अगर तनाज़ा होता है कोई, अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ के अंदर, 1935 में बात हुई है, ये आज की बात नहीं है। ये 1935 में जो ना कमिट किया था द ओनर, वो तो आप छोड़ दो ना इनको, वारिस आप लेने गए हैं या वो देने आए हैं आपको जमीन? उन्होंने कहा है जिन्होंने जो आप वाले वारिस जिनको बता रहे हैं वो एक्चुअली, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको कहा है, मैंने नहीं नहीं उनकी तरफ से जो ना हमको जो ना ये बात चल रही थी कि वो चाहते थे कि जो ना ये हमारा इसके ऊपर जो है ना कुछ लोगों ने जाके, क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया था इन्होंने कि हमारा जो ना पैसा जो चकौता बोलते हैं साहब उसको, पट्टे का जो शर्त होती है ना हाउ मच यू हैव टू पे, तो वो हमें पे करते थे हम, वो चकौता उन्होंने बंद किया। तो नेचुरली आप होते मेरी जगह तो आपके भी कान खड़े होते कि जो ना साहब ये चकौता कैसे बंद हो गया साहब, क्यों नहीं ले रहे आप? तो हमने भी संपर्क किया उनसे, भाई हमसे क्या गलती हो गई, अब तक तुम पैसा लेते रहे और ऑल ऑफ अ सडन यू हैव डिसाइडेड टू डू दैट। उस नज़रिए में जो ना पता चलते है, और शहर इतना बड़ा है साहब, जो ना दो आदमी आपको भी इन्फॉर्मेशन दे तो हमको भी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है ना कहीं से। वी केम टू नो दैट सर्टेन पीपल आर मिसगाइडिंग देम, और उनको जो ना हमारे खिलाफ करके और सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं कि 2025 जैसे ही आए उससे पहले जो ना उनको जो ना डिस्प्यूट में इसको प्रॉपर्टी को डाल दो, बिकॉज दे हैड नॉट सीन, पट्टा नामक किसी ने देखा नहीं था, उर्दू में है वो। अरे इनके पास किसी को नॉलेज नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं और भी लोगों की निगाह थी? अरे बहुत ज्यादा, जो आरोप लगा रहे बहुत बहुत इन सारी प्रॉपर्टीज पे निगाह है, ये तो पूरा का पूरा। मैं तो आप देख के मैं मुझे मोहनलाल जी मैं लेकिन तो, एक आरोप और लग रहा है ना जो ये सोसाइटी है इस पे तो राव इंद्रजीत वो जो पूरा सोसाइटी में अपने अपने आदमी वो बिल्कुल ठीक हाँ वो बिल्कुल सबको धीरे-धीरे बाहर यहां से निकाल दिया। वो देखिए कब बनी थी, नहीं वो सारे मर गए खप गए सब कुछ हो गए। अभी जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं ना,
मैं तो इन्हीं से पूछता हूँ, बस सारों को छोड़ दो आप, इनसे पूछ लो भाई थारे बाप दादा था कोई, वो पट्टानामा हमने भी दिखा दो ना कि तुम मेंबर थे क्या इसके कभी। नहीं तो इसके हर साल मेंबर रिन्यू हुए क्या? नहीं नहीं मैं और रिन्यू में हाँ, कोई हो गया नहीं, दो हजार में प्रधान था वही प्रधान थोड़ा ना होगा। नहीं नहीं सब मैं वो नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं आपको कह रहा हूँ जो लाइफ मेंबरशिप शुरू में दी गई थी ठीक है, छोड़ दीजिए छोड़ दी, अब वो खत्म हो गया। उसके अलावा भी तो मेंबर बनते हैं, उसके मेंबर बने, उसके बाद जो बनते रहे रसीदें कटी या जो थी, मैं जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ, कितना कार्यकाल मेरा कार्यकाल मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम 3-4-5 साल का है, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कोई नए मेंबर बने हैं? हाँ बने हैं। कितने मेंबर बने हैं टोटल? आज कितने मेंबर हैं इसके अंदर? अभी हम नहीं, अभी वैकेंसीज हो रही है ना, अभी हम जो ना वी आर इनवाइटिंग, अभी पेंडेमिक की वजह से कितने मेंबर बने होंगे, एक या दो? मैं कह रहा हूँ पर 4-5 साल से पहले जो बने हुए थे उसके अंदर जो है ना अभी हमारे जो ना कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका जो है ना अभी जो ना वो फीलिंग होती है जो ना जो आदमी अप्लाई करेंगे जो ना जो जो यही पूछ रहे ना, अब टोटल कितने मेंबर है और कौन कौन से मेंबर है? मैं इफ आई जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत के परिवार का है, खुद है, उनके भाई है, उनकी बेटी है। बिल्कुल मैं कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, तो उनकी बेटी उस वक्त इतनी बड़ी थोड़ा ना, क्योंकि जब आपने उनकी बेटी को मेंबर बनाया है तो और को भी तो लोग बने होंगे ना उस दौरान में बाहर? नहीं नहीं मैं उनकी बेटी को मैंने मेंबर नहीं बनाया, शिवाज मेंबर जब मैंने ज्वाइन करा था, शिवाज ऑलरेडी मेंबर है और वो बालिग है, ऐसा नहीं है कि उसको बच पैदा होते ही मेंबर बना दिया गया था। हाँ। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है ना वो हाँ। यही आपके आरोप लगा रहा है कि आज इस सोसाइटी की जमीन जुमीन लेंगे फिर इसको खत्म करेंगे, जैसे स्कूल को खत्म कर दिया है, कब्जा लेंगे इसको, वो एक, और ये 200 करोड़ की जमीन वो एग्जैक्टली जो ना वो देखिए वो तो उनका नज़रिया, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है तो प्रॉपर्टी डीलर को तो साहब जमीन को तोलना आता है, मुझे तो तोलना आता नहीं, और भगवान की दया से जो ना आपके कहने से ही जो ना मैं तो पहली दफ़ा इसको 200 करोड़ का फिगर जो है ना मेरे दिमाग में जो है ना सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो बड़ा मोर्चा मार दिया 200 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, तो मैं भी अपने आप को रात को जो ना थपके लगाऊंगा कि मैंने जो ना बहुत प्रॉफिट करके दिया है। ऑल सेड एंड डन, कितने साल से राव बीरेंद्र सिंह के पास ये संस्था चल रही है? Has anything changed till today? Nothing. No, कुछ एडिशन हुआ है यहाँ पर? कोई इसके अंदर जो ना कोई दबारा था ना वक्त 2025 में इसकी लीज खत्म हो रही थी, आप तो मान रहे हैं? नहीं नहीं दो उससे पहले हम लोग देखिए मरने के पहले कोई कफन काटी लाके नहीं लगता, नहीं, आप, मरने के बाद ही लाएगा। आपको ये तो पता है ना कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ आज, और मैं आज संस्था के जो है ना मैं काबिज हूँ, ये तो आप मानते हो काबिज हूँ मैं, अगर मैंने जब करना भी हो 2025 का मैं क्या वेट करूंगा? 2025 क्या मैं जो ना बिल्डिंग बना के खड़ी कर दूंगा? आपको क्या लेना देना है? वो तो मुझे 1 रुपये गज में मुरब्बा गज में मिलनी है। मतलब वो पार्टी भी मान गई आपको 1 रुपये मुरब्बा के अंदर देने के लिए? नहीं कैसे नहीं मानेगी, उनके बाप दादा ने 1935 में जो ना लिख के दिया हुआ है उसके अंदर, खराब थोड़ी दे रहे हैं वो हमको। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, दिया हो तो उसके दादा ने दिया, वो मर कब गए? हाँ। उसके बाद तो कितनी पीढ़ी कपली मैं, और ये उनके वारिस भी नहीं है, सवाल तो यहीं खड़ा हो गया। हाँ। ना जो उसका वारिस नहीं है वो तो क्यों नहीं मानेगा? नहीं, नहीं वारिस नहीं, अगर आज उसका आप अपनी जमीन होती है, आपका दादा अगर कोई फैसला कर जाते तो आप दे देते? मैं तो कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाते ना, तो वही पूछ रहा हूँ ना, अगर आप मैं अगर मुझे 1 रुपये गज में जमीन का सौदा कर जाते कि भाई दे देना तो आप दे देते? आ जाते मैं मैक्सिमम क्या करता? कोर्ट में जाता ना। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मैं दादागिरी से कब्जा तो नहीं ले सकता। सवाल तो यही आ गया, वो उसके वाली वारिस नहीं, उनके तो क्या जा रहा है? आप बार 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 एक चीज, आप एक चीज, ओहो आप अब आप कह चुका तो अब मुझे 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 इसका मुझे अपने चक्रव्यूह में मत डालिए। आपका जो नहीं नहीं जो बेसिक आपका इशू एक है, बेसिक इशू ये है कि जो है ना आपने एक अब ये इसको पैसे के ऊपर लाके टिका और छोड़ दो, अब छोड़ दो ना, ये 2 पैसे की जमीन है कि चाहे 2 लाख करोड़ की जमीन है, मुझे तो एक मोटी सी बात बता दो आप कि ये जमीन जो है हमने जो खरीदी है अपने जो है ना नियमानुसार हमारा जो पट्टनामा की शर्त से खरीदी है कि नहीं खरीदी है, नंबर एक। हमने जो है ना कोई हमें किसी ने खैरात में नहीं दी है, जो पट्टनामे में उस वक्त शर्त थी उस शर्त से, और आप ये भी मान के चलिए कितना लंबा अगर कोई जो है ना किसी को पट्टनामा होता है दैट इज इक्वलेंट टू ए सेलिंग ऑफ द लैंड, ये आप लीगल जो है ना एंगल ये भी बता दूँ मैं आपको, इट अमाउंट्स टू सेलिंग द लैंड। चलो वो भी छोड़ो, हमने तो जो है ना सीधा सीधा उनसे जो है ना बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द कोर्ट, राव इंद्रजीत सिंह को बगैर जो है ना उसके जो है ना आज आप लोग ये नहीं बख्श रहे, अगर कोर्ट में हम जाके खड़े होते तो ये रोज़ जो है ना राव इंद्रजीत सिंह की कोर्ट में हाजिरी भरवाते, आज तो मैं ही अकेला भर रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी,
कोर्ट के अंदर जाके खड़े करते थे, प्रेसिडेंट को भी जो ना तलब करते, फलाना करते, डिकड़ा करते। अरे मैं ये पूछता हूँ कि जो ना, अगर आप एक छोटी सी आपसे गुजारिश है मेरी कि इतने साल से सन 38 से जो ना इंतकाल विरासत चढ़े हुए हैं, इंतकाल विरासत चढ़े, वाई नोबडी ऑब्जेक्टेड टू दैट? आज तक क्या हो रहा था इन सबको जो ना, सो रहे थे, रजिस्ट्री होने के बाद इनको जो हो, आप मैं आज आप मेरे मुँह से एक और बात आज मैं नहीं कहना चाहता, अब कह रहा हूँ आपके माध्यम से। आपको पता है दो दिन तक जो ना मेरी जो ना मुझे जो ना क्लियरेंस नहीं लेने थी इस जो ना म्यूनसिपल कमेटी से इन लोगों ने, डू यू नो दैट? तो आपकी है आजकल, नहीं मेरी नहीं है, अरे चेयरमैन मेरा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि वो जो टेकचंद क्लब है, मोहनलाल जी, एक मिनट, मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, टेकचंद क्लब को तो छोड़ दो, मेरा क्या लेना है टेकचंद क्लब से? टेकचंद क्लब तो कोर्ट से जो ना उनके हक में फैसला हो रहा है, कब्जा कोर्ट ने उनको दिला चुके हैं, काम खा उनके पीछे ही तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन पड़ रहा है, जो ना सबको पैसा चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जो शक्ति साहब, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि इन्होंने इस जमीन खरीद के अंदर, जो सोसाइटी ने जमीन खरीदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ के अंदर हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट मलिक जी, एक बार उनसे भी बात। तो देखिए हमारे साथ एडवोकेट मलिक जी एक बार जुड़ गए हैं, जो भी प्रेस वार्ता में भी थे, क्योंकि हमने आपको बताया था किस तरीके से जो अहीर कॉलेज सोसाइटी ने जो जमीन खरीदी है उसकी जो चिंगारी निकली है किस तरीके से फैली हुई है, और उसको लेकर के राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है, लगातार इसको लेकर के प्रेस वार्ताएं हो रही है। और अब अहीर कॉलेज सोसाइटी ने जो प्रेस वार्ता की है उनके साथ हमारे साथ एडवोकेट मलिक जी है, क्योंकि अभी हमने आपको शक्ति साहब का बयान सुनाया। अभी हमारे सीधा एडवोकेट साहब, जो आरोप लग रहे हैं अभी आप प्रेस वार्ता में थे कि इस जमीन को लेकर के जो खरीदी गई 1.5 करोड़ में, पूर्व मंत्री कैप्टन साहब करे 200 करोड़ की जमीन आपने 1.5 करोड़ में खरीद ली, कैसे खरीद ली? देखो मंत्री साहब ने इवेल्युएशन जो भी इसकी लगाई है वो तो वही जाने जी, वो 200 करोड़ कैसे? कि भाई जिन्हों से रजिस्ट्री कराई है वो इसके वारिस ही नहीं है, और जितने मर्जी में आए चाहे करा लो। जैसा भी हम आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 1.5 करोड़ की क्या कीमत है यहाँ, 14 किला मिलते हैं 1.5 करोड़। मैं दोनों बातों को आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात आती है वारिस की, जितना भी इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जितना भी इस प्रॉपर्टी का, हर जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है ये मालिक चले आ रहे हैं। कहीं भी कोई सी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनकी ओनरशिप का कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप 1935 से आज तक का उठा लो जी, किसी भी रिकॉर्ड में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी एक बोनाफाइड परचेजर है। कहीं भी इसके रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि जी नाम किसी और का है, खरीद किसी और से ली। तो ये सिर्फ बेबुनियाद राजनीति से प्रेरित होकर और अफरा तफरी में लगाया गया आरोप है। अगर वो मालिक नहीं है तो आप अगर रेवाड़ी तहसील का रिकॉर्ड उठाएंगे, नुमेरियस रजिस्ट्री इनकी हो रही है। आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठाएं, सेक्टर 3 की एक्विशन का रिकॉर्ड उठाएं, सेक्टर 4 की एक्विशन का रिकॉर्ड उठाएं, फूड सप्लाई का रिकॉर्ड उठाएं, रेवाड़ी बस स्टैंड का रिकॉर्ड उठाएं, रेवाड़ी वर्कशॉप का रिकॉर्ड उठाएं, उन सभी चीज़ों में रिकॉर्डेड ओनर या तो ये थे या इनके पूर्वज थे, और इनको सरकार ने पैसे दिए, सरकार ने इनसे रजिस्ट्री कराई है। और मतलब मैं तो अचंभित महसूस करता हूं कि 6 बार MLA रहने के बाद, रेवेन्यू मिनिस्टर रहने के बाद, वकील रहने के बावजूद कप्तान साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि जी रिकॉर्डेड ओनर नहीं है। उनके टेन्योर में भी, उनसे पहले भी, 1970-72 से लेकर सन 2000 तक दुनिया भर के सरकार ने काम किए हैं। वो एक चीज और कर रहे हैं ना कि ये जो सोसाइटी, इसमें इनके परिवार के मेंबर हैं। नहीं देखो, अपने 10-12 लोगों को डाल दिया, बाकी सब ऐसा के नहीं लो, है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया और आने वाले दिनों के अंदर निहायत अरबों रुपए की जमीन के ऊपर है। देखिए पहली चीज तो किसी भी संस्था पे, आज मैं कहूँ कप्तान साहब की संस्था मुझे मेंबर बनवा दोगे आप? अगर कप्तान साहब ने कोई चैरिटेबल, मैं चैरिटेबल, जहाँ वर्ड देखिए देखिए, वो एक अलग फंड। देखो मोहनलाल जी, आप ये आप फेवर ले रहे हो, मैं आम जनता की क्या इसमें क्या चीज़ है? आम जनता मैं फेवर नहीं ले रहा, मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ वर्ड चैरिटेबल आ जाता है वो समाज की बात आ जाती है। नहीं चैरिटेबल का ये चैरिटेबल बिल्कुल नहीं, चैरिटेबल धार्मिक चैरिटेबल सामाजिक है, कानूनी पॉइंट है। वकील है तो कानूनी पॉइंट से नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि जब ये तो आम लोगों की संस्था है, आम लोगों के चंदे से बनी है। नहीं देखो, ये आम लोगों की ये जमीन किसी ने बनाया, नहीं, ये वो तो हर जगह, आप KLP कॉलेज में चले जाओ, आप दुनिया भर की और संस्थाओं में चले जाओ, दुनिया भर के लोगों ने कमरे बना रखे, पत्थर लगा रखे, तो लेकिन वो मेंबर नहीं है, नहीं वो मेंबर नहीं है संस्था में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेंबर नहीं है उनकी संस्थाओं में, 500-700। मैं यही मैं बताना चाह रहा हूँ, वोटिंग हुई यही मैं आपको कितने समय यही हर 3 साल में
15 मेंबर हैं, तो 15 घर घर के हो गए ना। नहीं नहीं ऐसा कौन है? आप मेरे को जवाब नहीं देना, देना जी। ऐसा नहीं है। राव राम सिंह जी क्या इनके घर के मेंबर हैं? मिस्टर एम आर पोपली जी क्या इनके घर के मेंबर हैं? ऐसा नहीं है। ये आरोप जब भी संस्था को मेंबर्स की नीड होती है, मेंबर्स बनाए जाते हैं, या तो किसी की डेथ पे या किसी की नए मेंबरशिप, कोई संस्था हित में या समाज हित में कोई एप्लीकेशन आती है, अगर वो लगता है गवर्निंग बॉडी को कि संस्था हित में मेंबर बनाए जाते हैं, तो इतने सालों लेकिन हमारे इतने सालों में संस्था गुजरती नहीं पड़ी, 15 नहीं नहीं है। ये संस्था का से बनी हुई ये है, संस्था के संविधान में लिखा हुआ है ना कि इसकी लिमिट ही 15 मेंबरों की है। अच्छा, तो इसलिए उसको 15 से फालतू नहीं ना संस्था के, आप रिकॉर्ड में उठा के देख लो, मेंबर भी नहीं बने ना, मेंबर ही 15। हर संविधान, हर संस्था का एक इंडिविजुअल संविधान होता है, उस संविधान में एक मेंबरशिप लिखी हुई होती है कि जी इस संस्था में, अब हिंदू आई है, हिंदू आई में 1000 से ऊपर मेंबर नहीं जा सकते, उनके संविधान में लिखा हुआ है 990 मेंबर रहेंगे। हमारा समाज की संस्था है 990, हर संस्था की एक लिमिट होती है, उस संस्था के लिमिट तक आपको अगर संविधान अमेंड करना है, संविधान चेंज करना है, तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये गलत बात कही जा रही है कि जी परिवार की है या उसकी है। दुनिया भर के लोग जो परिवार से बाहर हैं, इस संस्था के मेंबर रहे हैं और रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसका संस्था में हित नहीं होगा उसको संस्था ना, वो कभी मेंबर बनाती कोई और संस्था नहीं है, मेंबर बनाएगी। तो अब आगे इसकी मेंबरशिप खुलेगी कि बाहर के लोग? देखो ये संस्था का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। आज पिछले 10 साल से अगर मैं आपकी बात को मानूँ तो पब्लिक एजुकेशन बोर्ड की मेंबरशिप बंद है। ये संस्था का पर्सनल डिसीजन होता है, इस ये हम किसी को प्रेशर में ला के ये नहीं कह सकते जी आप मेंबरशिप। आपको क्या लगता है, जैसे भी शक्ति साहब कह रहे थे कि इस जमीन पे जो आरोप लगा रहे हैं उनकी निगाह लगी हुई थी, ये तो आप खुद पत्रकार हैं, आज अभी दैनिक रणघोष की जो न्यूज़ आई है आप उसको स्टडी कर लें। अच्छा, वो खुद खरीदने वाले थे आप? नहीं, मैं तो नहीं कहता किसी का नाम, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोगों की निगाहें इस ज़मीन पर ज़रूर थी। और आपको शायद नॉलेज में है कि नहीं है कि रेवाड़ी का जो गवर्नमेंट बॉय स्कूल का प्लेग्राउंड है, इसका भी कोर्ट में केस चला है, इसका भी एग्रीमेंट हुआ तो गया था। बहुत सारी चीज़ें शिशुशाला में लोगों की लगी हुई है। तो ऐसे ही ये संस्था खराब ना हो, विवादों में ना पड़े, उसी के मद्देनजर इस संस्था की इस जमीन को खरीदा गया। सिर्फ मोटिव यही है और कोई मोटिव सेफ हो गई जमीन, बिल्कुल सेफ हो गई। नहीं तो 2025 के बाद, आज संस्था की जमीन खरीदने के बाद जो लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि 2025 तक अगर ये संस्था इस जमीन को नहीं लेती या ये संस्था विवादों में फंस जाती तो क्या आरोप लगाते हैं? जमीन को आप लेने गए थे, वो देने आए आपको? नहीं, देखो देखो, वो खुद आपके बच्चे कह रहे हैं आपका पट्टा होने वाला है पूरा समाप्त। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग यहाँ से उनके पास गए थे, जितना हमारे संज्ञान में आया, जो हमें बीच कीजिए ये जमीन आपकी है, हमें रजिस्ट्री करा दो और हम अपने आप खाली करा लेंगे, केस कर लेंगे। तो एक मैसेज आया था इनडायरेक्ट कि जी वो रेडी हैं सेल करने के लिए, कि उनकी इच्छा ये है कि हमारे बुज़ुर्गों की आस्था अहीर कॉलेज में रही है और हमारे बुज़ुर्गों ने अहीर कॉलेज को दी है अहीर कॉलेज, हम नहीं चाहते कि कोई और आदमी इसमें आए। तो अगर अहीर कॉलेज संस्था इस ज़मीन को लेने के इच्छुक है तो हमारी प्रायोरिटी अहीर कॉलेज संस्था रहेगी, हम किसी और को नहीं देंगे। तो वो जब मैसेज आया तो हमने मतलब उस पर राव साहब ने संज्ञान लिया कि ठीक है, संस्था को विवादों से बचाना है, अगर उनकी भी इच्छा है और उनके भी पूर्वजों की उसमें रही है और अगर बात बनती है तो आप गो हेड करो। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करके और तब हमने इस ज़मीन को लिया। तो देखिए ये थे मलिक साहब, क्योंकि बातें ख़त्म नहीं हो सकती, बहुत सारे विवाद हैं, हालांकि ये चिंगारी सुलगी है, जल्दी से शांत होती नज़र नहीं आ रही है। आज जो सोसाइटी है अहीर कॉलेज सोसाइटी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और इससे पहले लगातार प्रेस वार्ताएँ होती रही है। आपको बताया पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आरोप लगाए थे, उसके बाद सतीश यादव ने और आज स्वयं सोसाइटी ने बुला करके अपना पक्ष रखा है। देखने वाली बात यह कि आने वाले दिनों में पूरा मामला ठंडा होता है या अभी और सुलगेगा, क्योंकि मामला है 14 एकड़ करीब जमीन का, जिसकी रजिस्ट्री हुई है मात्र 1.5 करोड़ रुपए में। क्या रेवाड़ी में कहीं भी 14 किला जमीन 1.5 करोड़ में मिल सकती है? ये सब सवाल हैं, अभी जांच का विषय है क्या होता है इसके अंदर निकल के आता है, कई सारे सवाल हैं, देखने वाले होंगे क्या कुछ निकल के आता है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल आचार्य, न्यूज़ रेवाड़ी।